education knows no boundaries and certainly doesn't differentiate between its seekers. This is best exemplified by Shakuntala Mishra National Rehabilitation University for the Impaired in Lucknow. The state government established this institution with a vision to provide access to higher education to the differently abled. Based on the concept of inclusive and integrated education, this university offers a barrier-free environment and reserves 50% seats in all courses for differently abled people. एक तो ये हम लोग समाज को बताने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं. आईसी कैंपेन हम लोग चलाते हैं सूचना शिक्षा प्रचार के माध्यम से. ये जो differently abled class है, ये हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ये दया का या सहानुभूति के पात्र नहीं है. इसका भी देश की जीडीपी में उतना ही योगदान है जिसमें सामान्य लोगों का है. तो उसके लिए हम लोग उनको जितने भी तरह के उपक्रम हो सकते हैं, उनको टीचिंग के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुख्यधारा में ला सकें. इसके साथ साथ होता क्या है कि डिसेबल क्लास की ओरिजिनल या मौलिक प्रॉब्लम्स की तरह बहुत लोगों का ओरिएंटेशन नहीं है. तो वो यह चूँकि देश का अकेला रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, तो हम लोगों ने आरसीआई से बात करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से बात करके, हम लोगों ने इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराए हैं. द शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी एडॉप्ट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी एज वेल एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू हेल्प पीपल विद स्पेशल नीड्स कोप इन अ बैरियर फ्री ग्रीन कैंपस स्प्रेड अक्रॉस 131 एकर्स. In addition, it has established an in-house artificial limb center with the latest advanced technologies that is empowering the physically challenged with quick responses and solutions to their needs, absolutely free of cost. पहले मुझे बहुत शर्म आती थी चलने में, क्योंकि बैसाखी से चलने में मुझे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि गांव में या कहीं भी लोग देखते थे तो उनके मुंह से पहले निकलता था बेचारा. अब उनके मुंह से कभी भी बेचारा शब्द नहीं निकलता है, बल्कि वो उनको फील ही नहीं होता है कि मेरा पैर कभी कटा हुआ भी था. समाज में एक साथ सबके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, कोई किसी से डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं है. और उसके साथ साथ मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ, मैं घर से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उसके साथ मैं लखनऊ में हज़रतगंज में एजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ वोडाफोन क्लाइंट मैं जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम. अपने परिसर में ही आर्टिफिशियल लिम्ब का वर्कशॉप हम लोगों ने खोला. इसके साथ साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड पाठ्यक्रम भी शुरू कराए. बीपीओ और बीएसएलपी 4.5 साल के पैरा मेडिकल कोर्सेज शुरू कराए. और हम लोगों तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग सेम डे आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हैं. सुबह सुबह पेशेंट इनरोल्ड होता है और शाम को आर्टिफिशियल लिम्ब बनवा के निःशुल्क उसको हम लोग देते हैं, वो अपने घर चला जाता है. तो शारीरिक सशक्तिकरण के माध्यम से विकलांगजनों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करने वाला यह अकेला राज्य विश्वविद्यालय है.